ओम श्री परमात्मा नमः। मैं प्रोफेसर हृदय अवस्थी अपने परम पूज्य गुरु जी प्रातः स्मरणीय वेद मूर्ति तपोनिष्ठ गीता उपनिषद पुराण और दर्शन शास्त्र के विशेषज्ञ प्रोफेसर पंडित भगवत शरण शुक्ल जी के साथ मैं आप सभी का अवस्थी आयुर्वेद नेट में योगा स्पिरिचुअलिटी चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। हम लोग सांख्य दर्शन पर चर्चा कर रहे हैं और आठवीं कारिका है जिसके ऊपर गुरु जी सरल शब्दों में व्याख्या करेंगे, तो उसको समझने के लिए चलते हैं गुरु जी की ओर। नमोस्तनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशूरोरुबाहवे सहस्रनामने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस चरण से संबद्ध सभी विद्वद्गण, सभी जिज्ञासु छात्रवृंद एवं सर्वे सज्जन वृंद, इस चैनल के संस्थापक तथा प्रबंधक आचार्य हरिहृदय अवस्थी जी, आप सभी का सांख्य शास्त्र के विचार परंपरा में स्वागत है। हम लोग अभी तक सात कारिकाओं में सांख्य तत्व कौमुदी ग्रंथ के साथ विचार किया है। आज हम लोग आठवीं कारिका पर विचार कर रहे हैं, जिसमें पहले प्रश्न होता है कि जो प्रकृति है उस प्रकृति के अनुपलब्धि में मुख्य कारण क्या है, क्यों अनुपलब्ध रहती है प्रकृति, क्यों नहीं जान पाते, इसके विषय में ईश्वर कृष्ण अपनी कारिका में कहते हैं। सौक्ष्म्या तदनुपलब्धिर नाभावा कार्य तस्तदुपलब्धे महादादि तच्च कार्यम प्रकृति स्वरूपम विरूपच्च। अर्थात जो महदादि है या मुख्य रूप से जो प्रकृति है उसकी अनुपलब्धि का जो मुख्य हेतु है क्या, सौक्ष्म्यात् अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण हम प्रकृति का साक्षात्कार नहीं कर पाते हैं। सौक्ष्म्यात् तद् अनुपलब्धि, भाई आप सूक्ष्म क्यों कहते हैं, जो वस्तु नहीं है तो अभाव होने से भी तो उस वस्तु की उपलब्धि नहीं होती है। तो चूंकि किसी भी प्रमाण से जब हम या जो है उसकी उपलब्धि नहीं कर पा रहे हैं प्रकृति की, तो ये मान लिया जाए कि उसका अभाव है, अभाव होने कारण वो नहीं दिखाई देती, तो उस पर कहते हैं कि उसकी जो अनुपलब्धि है वो अभाव के कारण नहीं, क्योंकि कार्यतस तदुपलब्धे कार्य के माध्यम से उसकी उपलब्धि दिखाई पड़ती है। तो कार्य क्या है, कहा महदादि तच्च कार्यम, महदादि माने महत्तत्व महंतत्व पंच तन्मात्रा एकादश इंद्रिय ये उसके कार्य है। महदादि तच्च कार्य जो कैसे है, प्रकृति स्वरूपम विरूपंच, तो प्रकृति से स्वरूप है, प्रकृति से विलक्षण भी, विरूपम विलक्षण, तो जो महत्वात् इत्यादि कार्य है ये प्रकृति के समान, प्रकृति से समान कैसे है, जो उत्पन्न भी करते हैं और विकार भी है, जैसे महदादि प्रकृति के विकार हैं, महत्तत्व किंतु अहम तत्व का वह प्रकृति, अहम तत्व जो है वो अहम तत्व का प्रकृति है महत्तत्व, तो प्रकृति स्वरूपम भी उसका है,
और विरूप भी है, विलक्षण भी है, क्योंकि प्रकृति जो है वो किसी का विकार नहीं, किंतु महत्तत्व जो है वो विकार भी है, प्रधान तत्व का अर्थात महत्तत्व जो है प्रकृति का। तो इसी की व्याख्या बड़े बड़े ही उत्तम स्वरूप में आचार्य वाचस्पति मिश्र करते हैं, सौक्ष्म में आती थी, अथ अभावादेव सप्तम रसवद एतेषाम अनुपलब्धि कस्मान् न भवति। जैसे जो आस्वाद्य रस है वो छह माने जाते हैं, षट रस व्यंजन, तो जैसे सप्तम रस का अभाव है अर्थात जितने स्वाद हैं उन स्वादों का जो स्वरूप है छह स्वरूप में ही वो है, सातवां स्वरूप नहीं है स्वाद का। तो सप्तम रसवत एतेषाम अनुपलब्धि, ये मादा की जो अनुपलब्धि है सप्तम रस के समान अनुपलब्धि क्यों न मानी जाए, उस कहते हैं न अभाव, अभाव हो न होने से उसकी अनुपलब्धि नहीं है, उतः कार्यतस्त उपलब्ध है, कार्य के द्वारा उसकी दिखाई दे, तत् प्रधान तथि प्रधानम परामृशत तत् तत् महदादि कार्यम तत् प्रधानम परामर्श दिया, तत् शब्द से प्रधान का परामर्श होता है। तो कभी यहाँ पर प्रधान जब महदादि कहते हैं तो यहाँ पर पुरुष की उपलब्धि में प्रमाण क्यों नहीं माना जाता है, तो कहते हैं पुरुषोपलब्धौ तु प्रमाणम पक्षति संघात परार्थत्वादि, पुरुष के विषय में यहाँ पर चर्चा नहीं हो रही, पुरुष की उपलब्धि में दूसरे प्रमाण है, यहाँ पर जो है अनुमान प्रमाण बता रहे हैं कार्यतस्तुपलब्धे, जैसे पर्वत में धुआं दिखाई पड़ता है किंतु वन दिखाई नहीं पड़ती है, किंतु उसकी जो जो व्याप्ति है कि यत्र धूमस्तत्र तत्र वन्नी, और यहाँ पर धूम जो अविच्छिन्न रेखा के रूप में पर्वत में दिखाई पड़ता है, तो उसके कारण जब व्याप्ति स्मरण होता है यत्र धूमस्तत्र तत्र वन्नी, जब ये व्याप्ति स्मरण होती है तो यहाँ पर ज्ञात होता है चूंकि यह पर्वत धूमवान है इसलिए बन्नीवान भी है। इसी तरह से यहाँ पर भी है, क्योंकि जो महदादि कार्य हैं वो प्रधान से अतिरिक्त कहीं दूसरे जगह देखे नहीं जाते हैं, और ये प्रधान कार्य है, अन्य दूसरा उसका कारण नहीं, इसलिए प्रधान को कारण के रूप में कार्य का जो है महदादि के कारण के रूप में हम जो है उपलब्ध करते हैं, कार्य तदुपलब्ध है, परंतु पुरुष की उपलब्धि में प्रमाण नहीं है, क्योंकि पुरुष का कोई भी कार्य हमको उपलब्ध नहीं होता है। तो कार्य सदुपलब्धे है ये स्थिति जो है वो पुरुष के विषय में नहीं, इसके विषय में पुरुष की उपलब्धि में प्रमाण आगे कहा जाएगा, जिसको सत्रहवीं कारिका में संघात परार्थत्वाद इत्यादि रूप में जिसका विवेचन वहां होना है। अब इस तरह से आगे व्याख्या करते हुए आचार्य वाचस्पति मिश्र कहते हैं दृढ़तर प्रमाणावधारिते ही प्रत्यक्षम अप्रवर्तमानम अयोगत्वा न प्रवर्तित कल्पते। तो ये अनुमानादि अत्यंत प्रबल प्रमाण के द्वारा निश्चित पदार्थ का ज्ञान यदि प्रत्यक्ष प्रमाण से नहीं होता है तो ये माना जाता है कि प्रत्यक्ष उसके बतलाने में अयोग्य है, असमर्थ। दृढ़तर प्रमाणावधारिते ही प्रत्यक्षम अप्रवर्तमानो अयोग्यता न प्रवर्तते। दृढ़तर प्रमाण से जब अवधारे हम निश्चित कर लेते हैं ये प्रत्यक्ष से इस कार्य की सिद्धि संभव नहीं है, प्रत्यक्षम अप्रवर्तमानो, क्यों, क्योंकि ये प्रत्यक्ष के योग्य नहीं है, अब अयोग्यत्व न प्रवर्तते, प्रत्यक्ष प्रमाण प्रवृत्त नहीं होता। जैसे सप्तम रस है तो सप्तमस्तु रस न प्रमाणेन अवधारिता, सप्तम रस होता है इसको हम रसनेन्द्रिय रासन प्रत्यक्ष प्रमाण से उसको हम निश्चित नहीं कर पाते, इसलिए क्योंकि उसकी प्रत्यक्ष की अयोग्यता है, प्रत्यक्ष की योग्यता नहीं है। इति न तत्र प्रत्यक्षस्य अयोग्यता शक्य अध्यवसित, प्रत्यक्ष की अयोग्यता को हम वहां पर निश्चित नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते कि उसका किसी तरह से प्रमाण उसका कहीं संभव ही नहीं है, वो कहीं दिखाई ही नहीं पड़ता है, ये इसका स्वरूप। तो इसका कार्य क्या है कि पुरस्तत्कारिण यथा प्रधान अनुमानम,
इस प्रधान के ऐसे कौन से कार्य हैं जिसके द्वारा हम प्रधान का अनुमान प्रमाण से ज्ञान कर सकते हैं? इस पर कहते हैं यथा महदादि पंच कार्य महत तत्व महान तत्व पंच सर्वात्र इत्यादि, ये इसके कार्य। तो एतच्च यथा गमकम तथा उपरिष्टात उपपादयिष्यते। तो कहे भाई ये प्रमाण कैसे होते हैं, कैसे ये हेतुओं से आप प्रधान की सिद्धि करते हैं? तो कहे इस कारिका में हम इसका उल्लेख नहीं करेंगे अभी, तो इसका उल्लेख आगे हम इसका प्रमाण सहित इसका उपादन करेंगे। तस्य च कार्यस्य विवेक ज्ञानोपयोगिनी सारूप्य वैरूप्ये आह प्रकृति स्वरूप विरूपं च। तो उस कार्य के विवेक ज्ञान की जो उपयोगिनी है सारूप्य और वैरूप, इसमें सारूप्य भी और वैरूप, उसी को यहाँ पर अपने शब्दों में कहते हैं प्रकृति स्वरूप विरूप, जो प्रकृति के समान रूप है या प्रकृति से विलक्षण। तो इन सभी का विवेचन आगे होगा, यहाँ पर केवल इतना ही बतलाना मुख्य रूप से तात्पर्य इस कारिका का रहा कि प्रधान की जो प्रतीति है वो अनुमान प्रमाण से हो सकती है, जो कार्य के माध्यम से हम उसको जान करते हैं, उसकी उपलब्धि करते हैं, किंतु जो पुरुष है उसका कार्य कुछ है नहीं, इसलिए उसकी उपलब्धि हम नहीं कर पाते हैं। इसलिए इस प्रमाण से अनुमान प्रमाण से पुरुष की सिद्धि नहीं होती। इस प्रकार गुरु जी ने बहुत ही सरल शब्दों में हम लोग को बताया कि महत आदि किस प्रकार अनुमान प्रमाण से जाने जा रहे हैं। ईश्वर आपकी सहायता करें, आप ज्ञान प्राप्त कराएं, आपका दिन शुभ हो।